हाय फ्रेंड्स, मैं मीना, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे टमाटर मसाला पूरी। इस रेसिपी को आप बनाकर अपने बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं या फिर नाश्ते के रूप में खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टमाटर की मसालेदार पूरी बनाने की सामग्री है 3 टमाटर, 2 कप गेहूँ का आटा, 1 चम्मच हरा धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ, 1 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, 1 छोटी चम्मच अजवाइन, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1 बड़ा चम्मच तेल, 1 छोटी चम्मच रेड चिली पाउडर और पानी। सबसे पहले हम टमाटर को बॉईल करेंगे। कढ़ाई में हम 1 कप पानी डालेंगे। टमाटर को हम कट करके डालेंगे, 4 हिस्सों में कट करेंगे। कवर करके टमाटर सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। टमाटर को हम चेक करेंगे, टमाटर पूरी तरह से सॉफ्ट हो गया है। अब हम गैस को बंद करेंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम टमाटर को मिक्सी के बर्तन में डालकर पीस लेंगे। पीसने से पहले हम टमाटर के छिलके को अलग कर लेंगे इस तरह से। इसी तरह से हम सारे टमाटर के छिलके को हटा लेंगे। अब हम पीस लेंगे। जिस पानी में हमने टमाटर को बॉईल किया था उस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, डो में इस्तेमाल करेंगे। बड़े बाउल में गेहूं का आटा डालेंगे, रेड चिली पाउडर डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, अजवाइन डालेंगे, भुना हुआ जीरा का पाउडर डालेंगे, नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे, 1 छोटी चम्मच नमक डालेंगे, कटा हुआ हरा धनिया पत्ता डालेंगे। सारी सामग्री को अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें पिसा हुआ टमाटर हम डालेंगे, मिक्स करेंगे, बचे हुए टमाटर को भी डाल देंगे। टमाटर का जो पानी था उसे थोड़ा डालेंगे। मीडियम डो बनाएंगे। मीडियम डो हमने बना लिया है और हमने 2 चम्मच पानी का इस्तेमाल किया है। अब हम ऊपर से 1 चम्मच तेल डालेंगे और मसल लेंगे। डो हमारा तैयार है। बहुत ज़्यादा सख्त डो नहीं बनाना है आपको। डो को हम 10 मिनट के लिए रखेंगे, 10 मिनट बाद हम पूरी बनाएंगे। डो हमारा सेट हो गया है। अब डो में से हम थोड़ा सा डो लेंगे और एक पेड़ा बनाएंगे, चकले पे रखेंगे और पूरी बनाएंगे। इसी तरह से हम सारे पूरियों को बेलकर तैयार करेंगे। तेल को हमने बहुत ही अच्छे से गर्म किया है। आंच को मीडियम रखेंगे और पूरी को हम तेल में डाल देंगे इस तरह से। पूरी फूल गई है, पलट लेंगे। पूरी अच्छी गोल्डन ब्राउन हो गई है, प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे पूरियों को तलेंगे। टमाटर की मसालेदार गर्मा गर्म पूरी बनकर तैयार है। इस पूरी को आप बनाकर अपने बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं या नाश्ते के रूप में खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। धन्यवाद।